हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं द ब्रायोफाइट्स साथ ही साथ नीट ए आई पी एम टी केरला जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइट्स क्लास इलेवेंथ नीट टिप्पो के क्लासिफिकेशन की अगर बात कर ली जाए तो ब्रायोफाइट्स को पहले एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता था क्या कहा जाता था एम्ब्रियोफाइटा इन द टिप्पोज क्लासिफिकेशन ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ब्रायोफाइट्स हैं क्या ठीक है सेकंड अपना डिवीजन होता है प्लांट किंगडम की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट आपका एलगी उसके बाद ब्रायोफाइट्स एंड थर्ड इज टेरिडोफाइट्स तो सेकंड नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन टिप्पो के क्लासिफिकेशन में इनको एम्ब्रियोफाइटा ग्रीक वर्ड से लिया गया ये टर्म है आपका ब्रायोन मींस मॉस एंड मतलब हम लोग जानते हैं प्लांट्स खासियत ये है कि they do not have the vascular tissue. इनके पास में vascular tissue तो नहीं होते आपके vascular tissue शुरू होते हैं आपके फाइट से है ना तो एट्राकिटा ये टर्म यूज किया गया था ओस वालिपो के क्लासिफिकेशन में क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर प्रोड्यूस क्लोरोफिल ए बी ठीक है क्लोरोफिल ए बी इनके पास है स्टार्स सेलुलो सेलवॉल्स इनके पास में है और स्विमिंग स्पर्म सेल है स्विमिंग इसलिए है क्योंकि इनको जरूरत पड़ती है वॉटर की ठीक है अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिस्क शेप्ड ये इंपॉर्टेंट टर्म है ये कई बार पूछा भी गया है डिस्कशेप प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में है ना नो मेरीन ब्रायफाइट सोफॉर अभी तक कोई भी ऐसा मरीन ब्रायोफाइट तो नजर नहीं आया है ठीक है सारे के सारे फ्रेश वॉटर ही है ब्रायोफाइट आर सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है एनसीआर टी की ये सारी लाइन है बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वॉटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये ठीक है डिपेंड करते हैं वॉटर के ऊपर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यही इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो होती है ब्रायोफाइट्स की एलगी की टेरिडोफाइट्स की है ना इन सभी की जो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है इसीलिए दुनिया में बहुत कम जियोग्राफिकल एरिया में भी पाए जाते हैं क्लास ट्वेल्थ में इसका पूरा जिक्र किया गया है दे यूजली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड द शेडेड लोकेलिटीज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल अब ये नोट कर लीजिए प्लांट सक्सेशन प्लांट सक्सेशन में पूरा रोल अदा करते हैं यानी पूरे प्लांट के फॉर्मेशन में रॉक सॉइल में या फिर सॉइल में ठीक है पूरे प्लांट की स्टडी पूरे प्लांट को बनाने में पूरा फॉरेस्ट बनाने में प्लांट सक्सेशन बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपके ब्रायोफाइट्स इट इज अ थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट है ना थैलस लाइक -like, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं रूट लीफ और आपके स्टेम में या तो ये प्रोस्ट्रेट खड़े हुए होंगे इरेक्ट होंगे जैसे लिखा है एंड अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय द स्मॉल मल्टी सेलूलर राइजॉय्स के जरिए अटैच रहते हैं रूट्स देखिए लगभग लगभग आने लग गए हैं इस एक्सेप्ट है इस फाइग्रम इस इसको छोड़ करके सभी में राइजॉयड्स पाए जाते हैं हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बन जाए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है दे लैक द ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कैसी होती है मेन प्लांट बॉडी नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है Hiploid होती है ओके मैनी मॉसेस हैव ए स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हाइड्रॉइड्स बोला जाता है एनसीआरटी में हालांकि इसका जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी करेक्टरिस्टिक्स अच्छा है आप लोग नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रोइड्स बोला जाएगा अगर पूछ दिया जाए कि मॉसेस के पास वेस्कुलर टिश्यू तो नहीं है फिर उनके पास में क्या होता है तो हाइड्रोइड्स होते हैं द फ्यू हैव फूड कंडक्टिंग सेल्स जिसको आप लेप्टोइड्स बोला जाता है ठीक है जाइलम का, का काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना फ्लोएम का, का काम होता है आप जानते हैं फूड को कंडक्ट करना तो इनके पास फूड कंडक्टिंग सेल आपके लेप्टोइड्स हैं और वाटर कंडक्टिंग सेल आपकी हाइड्रोइड्स हैं ये चीज याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द वॉटर कंडक्ट थ्रू द सर्फेस के जरिए एंड द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कैसी है अभी बताया था हेप्लोआइड है प्रोड्यूस करते हैं गैमिट हेंट इज इट इज कार्ड द गैमिटोफाइट यानी इसका डोमिनेंट फेज जो होता है ठीक है आपके मोसेज का ब्रायोफाइट का गैमिटोफाइट होता है जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स है देखिए ये लगा है डायग्राम अपना ये रही आपकी जैकेट पूरी तरीके से सराउंडेड है स्टेराइल सेल्स है और अंदर मौजूद है आपकी स्पर्म मदर सेल्स जो कि बना देंगी स्विमिंग स्पर्म को बना करके ये रिलीज कर देंगी है ना तो ये चीज ये डायग्राम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा ये जैकेट ऑफ ये टर्म लिखा हुआ है में ठीक है तो ये चीज याद रखिए जैकेट स्टराइल सेल्स ये आसपास लगी हुई है सेल्स मेल सेक्स ऑर्गन को आपको पता है क्या कहते हैं एंड दे प्रोड्यूसिलेटेड एंथ कैसे बाई ठीक है दो फ्लैजिला द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है एंड द फ्लास्क शेप्ड होता है कैसा होता है फ्लास्क शेप प्रोड्यूस द सिंगल एग ये देखिए पूरा फ्लास्क शेप केमिस्ट्री लैब में आप लोग गए होंगे तो वहां पे फ्लास्क रखी हुई देखी होंगी इवन बायोलॉजी में भी है तो ये फ्लास्क शेप का आर्किगोनियम होता है एल आपके सामने है ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द डेथ एंड डिके और द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस कोई भी चीज जो सड़ रही है गल रही है टूट करके अलग हो जाती है फ्रेगमेंट हो जाते हैं उसके ठीक है या बाय द एडवेंटिशियस अलग से ब्रांचेस निकल करके आ जाती हैं उसके जरिए होता है ठीक है रिप्रोडक्शन खासतौर से वेजिटेटिव स्पेशल स्ट्रक्चर इनके पास में मौजूद होते हैं असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमाकप्स ट्यूबर्स प्रोटोनिमा एंड बुलबिल्स ये चीज मौजूद रहती है एंड इट इज रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं प्रोसेस क्या है या रिप्रोडक्शन की अगर प्रोसेस देख ली जाए तो एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं पानी में एंड दे कम इन कॉन्टेक्ट एंड एन एंथ्रोड्रोजेज विद एंड प्रोड्यूस अब यहां पे जो जाइोट बना है तो डायरेक्टली क्या नहीं बनता है एम्ब्रियो नहीं बन करके देता है ठीक है ये चीज आप लोग याद रखिएगा दे डू नॉट अंडर गो द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली एनसीआर की लाइन है एंड दे प्रोड्यूस द मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको आप स्पोरोट बोलते हैं ठीक है जाइगोड डेवलप होकर के स्पोरोट में चला जाता है अब स्पोरोफाइट क्या बला होती है क्या चीज है ये स्पोरोफाइट जो है बच्चों दे स्पोरोट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू दिंथेटिकोट कर लीजिएगा यह नरिशमेंट ड्राइव करता है फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट से जब तक ठीक है जब तक कि उस पर ऊपर लगा रहता है, है स्पोरोल स्ट्रक्चर होता है जो कि निकल करके आता है गेमिटोफाइट से ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सम सेल्स स्पोरोफाइट अंडर को रिडक्शन डिवीजन रिडक्शन डिवीजन का मतलब मायोसिस और प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारे हेप्लोइड स्पोर्स और वो स्पोर्स जब एटमोसफेयर में आते हैं जर्मिनेट होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं गैमिटोफाइट यही एक लाइफ साइकिल है इसकी पूरी ठीक है किसकी आपके माओसिस की ऑल द प्रोफाइट्स आर होमोस्पोरस ये नोट कर लीजिएगा होमोस्पोरस होते हैं एक जैसे स्पोर बनाने वाले कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पोर ये लोग नहीं बनाते हैं जो डिफरेंट स्पोर बनाते हैं उनको -स्पोरस कहा जाता है ये रहा आपका ठीक है स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ये देखिए ये लगा है लीव्स हैं के ऊपर से यहां से निकल करके आया सेटा ठीक है एंड द कैप्सूल कैप्सूल के अंदर रिडक्शन डिविजन और स्पोर्स का फॉर्मेशन ठीक है याद रखिएगा और ये रहा मेन गेमिटोफाइड जो कि फोटोसिंथेटिक ग्रीन इन कलर मेन एक्सिस और ये लगे क्लासेस की डिवाइड किया गया है तो क्लासेस में, में दो का जिक्र किया गया है दो के बारे में बताया गया है लिवर वर्ड्स मॉसेस एंड वर्ड्स मौजूद हैं अपने एनसीईआरटी में कौन कौन से हैं ठीक है लिवर वर्ड एंड द मॉसेस लिवर वर्ड्स ये रहे आपके ये देखिए मार्केशिया पूरा गैमा कप उसके ऊपर मौजूद है और ये मोसेस पत्थरों के ऊपर लगे हुए हैं जहां पे भी आप देख लीजिएगा अगर बात कर ली जाए लिवर वर्ड्स कितनी इनकी लेंथ होती है तो टेन सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ इनकी होती है मेजोरिटी ऑफ देंज इन इन्वॉर्मेंट इंक्लूडिंग द रॉक्स में मौजूद है ट्रीज पे है फुटपाथ पे है सॉइल एलोंग ठीक है द रिवर बैंक एक्सेट्रा जहां जहां पे पानी की मौजूदगी है वहां वहां पे आपके लिवर वर्ड्स मौजूद होंगे दे कैन बी फाउंड अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड बट द सदन अब ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर वो डीप गए ठीक है तो सदन रेन फॉरेस्ट में ठीक है इनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा वेयर दे आर द मोस्ट कॉमन ठीक है common, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन द सदन रेन फॉरेस्ट तो आपके लिवर वर्ड्स या सीधा सीधा है ब्रायोफाइट्स तो वहां पे ऑप्शन आपका ब्रायोफाइट्स होगा

जम करके आ जाएंगी डिटैच होंगी और एक नया मार्केशिया या नया आपका लिवर वर्ड्स बन करके तैयार हो जाता है ड्यूरिंग सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई ठीक है एक पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस के भी ऊपर भी आ सकते हैं ठीक है थीके? ध्यान दिया होगा आप लोगों ने इसके ऊपर जब मार्केशिया का डायग्राम देखेंगे एनसीआरटी में ये वाला आ रहा होगा है ना तो दो

किसके जरिए लीव्स के जरिए ये पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक द फूड थ्रू अ फोटोसिंथेसिस क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी मौजूद है मोस्ट कॉमन स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ एज इन लिवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हेप्लोइड गैमेटोफाइट इनमें भी बनेगा ठीक है इन कंट्रास्ट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट सारे वेस्कुलर प्लांट की अगर बात कर ली जाए तो सीड प्लांट्स हैं

ठीक है जो डायरेक्टली ग्रीन कलर की होती है फर्स्ट स्टेज स्टेज जिसको आप प्रोटोनिमा बोलते हैं क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फ्लामेंटस होती है ये स्टेज जो है आपकी ये डायग्राम जो है अपना ये पूरा मोसेस प्रोटोनिमा का है जो कि ग्रीन इन कलर है ब्रांचेज में मौजूद है ठीक है और फ्लामेंटस है नोटेड ये स्ट्रक्चर जो है आपका ये कहलाता है आपका प्रोटोनिमा सेकेंड स्टेज जो होती है लीफी स्टेज है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा से निकल करके डेवलप होती है एज ए लेटरल बर्ड जहां प्रोटोनिमा है वहां से सेकेंडरी प्रोटोनिमा जर्मिनेट होगा और लेटरल बर्ड निकल करके आएगी एंड दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सेस ठीक है बियरिंग द स्पायरली अरेन्ज्ड लीव्स पूरी तरीके से स्पायरली अरेन्ज लीव्स होती है करेक्टरिस्टिक्स है इनका एंड दे अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टी सेलुलर ठीक है ये वाली देख लीजिए आप डेवलपमेंट ऑफ द लीफी डेवलपमेंट ऑफ लीफी मोसेस प्लांट ये यहाँ से दिखाया है उन्होंने ये गया है आपका ये स्पायरेली अरेन्ज है ना यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहां पर मौजूद है स्पर्म सेल और यहाँ पे मौजूद है इसके पास में एग्सल इस तरीके से फर्टिलाइज एक्सेल डेवलप्स इन टू द स्पोर्ट ऑफ कैप्सूल की लिड जो होगी वो ब्रेक होगी और ये निकल करके बाहर आएंगे है ना जर्मिनेट होंगे स्पोर्ट्स जर्मिनेट होने के बाद में ये डेवलपिंग लीफी ये डेवलप डव, हो रहा है आपका है ना ये एक लाइफ साइकिल है अपनी लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस प्लांट कैप्सूल सेटा एंड फूट यहाँ पे मौजूद है ये आपका स्पोरोफाइट डेवलप हुआ जा करके जयगोड बनने के बाद एंथी रिडियम आर गोनियम ने जाइगोड बनाया ठीक है और स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किए आपके स्पोर्स आपके कैप्सूल में एंड देन अगेन प्रोटोनिमा स्टेज आए प्रोटोनिमा स्टेज आने के बाद में मॉस प्लांट आ गया सिंपल है याद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मौजूद होते हैं ऊपर की तरफ अब तक इतना सीख लिया होगा कि कहां पे मौजूद होंगे ज्यादातर हिस्सा इन सभी क्लासेज में रिप्रोडक्शन होता है जो कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके देता है हम लोगों को है ना इसमें आपको क्या याद करना रहेगा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और जितने भी एग्जाम्पल है उनको रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पूछते हैं वो नीट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप फर्टिलाईजेशनोल टू चीज नोटेड है रेड कलर कर दिया है मैंने इसको ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट है द मोसेज हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल इनके पास में बेहतरीन सी मैकेनिज्म है जर्मिनेट होते बस्ट है, होते हैं और पूरे एटमोसफेयर में आते हैं Funeria है आपके पास में है, है तो ये रहा आपका एंड प्लांट और ये देखिए स्पायरली अरेन्ज लीव्स हैं क्वेश्चन आंसर आपके शुरू हो गए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रायोफाइट्स इसमें से कौन सा ग्रुप है जो ब्रायोफाइट्स की किस तरह जाना जाता है तो फन वर्ड्स यही वाला ऑप्शन आपका सेट बैठा Which ऑफ द following इज ट्रू अबाउट द Bryophyte? ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं और यही क्वेश्चन आते भी हैं दे lack द ट्रू leaves एंड स्टेम एंड roots. दे प्रोड्यूस by सीड ये गलत है दे आर एडेप्टेड टू लिव इन ड्राई डिजर्ट कंडीशन इनवायरमेंट में गलत है दे बिलोंग टू दल इनके पास अभी हमने लोगों ने सीखा कि लैक ट्रू रूट लीव स्ट्स कुछ भी नहीं होता तो यह ऑप्शन आपका सही है द डोमिनेट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोफाइट आपको तुरंत पता होगा कि गैमिटोफाइट है सर है ना वट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइजॉइट्स इन द ब्रायोफाइट राइजॉइड्स का मेन फंक्शन क्या होता है तो याद रखिएगा अगर एक ऑप्शन दिया हो ठीक तो है तो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिय एंड एंकरिंग टू द प्लांट टू द सबस्ट्रेट यानी ए एंड बी बोथ आंसर आपके करेक्ट हैं इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दोनों ऑप्शन हैं आपके लिए ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में ठीक है दे रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाई वेजिटेटिव एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? नहीं है ऐसा दे रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू द असेक्सुअल मीन्स ऐसा है नहीं है ठीक है दे हैव बोथ सेक्शुअल एंड असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ऑप्शन आपका यही सही बैठता है इन ब्रायोफाइट द स्परोट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमिटोफर द अभी सीखा पीछे ही सीखा है ना नरिशमेंट के लिए तो न्यूट्रिय के लिए विच ऑफ द फॉलोविंग एडॉप्टेशन अलाउ द ब्रायोफाइट टू सरवाइव इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक है स्टोमेटा ऑन द लीव वैक्सी क्यूटिकल ऑफ द प्लांट बॉडी राइजोइ फॉर एंकरेज और सबसे क्लोज आंसर आपका वैक्सी क्यूटिकल ऑन द प्लांट बॉडी फॉलोविंग ब्रायोफाइट ग्रुप हैज्लैटेंड चप्टे लाइक स्ट्रक्चर आपको पता है मोसेज है लिवर वर्ड्स है क्लब मोसेज है लिवर वर्ड्स होते हैं थैलस लाइक -like प्लांट बॉडी मार्केशिया आंखों में बंद करके ठीक है ध्यान कर लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स का नहीं है ठीक है तो इसमें से जो नहीं है द वेस्कुलर टिश्यू इफिशियंट वाटर कंडक्टिंग न्यूट्रिय ट्रांसपोर्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर रिक्वायर वाटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शनिस्टिक्स नहीं है तो नहीं पे ध्यान दीजिए वेस्कुलर टिश्यू का है इनके पास में थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होता है अपना द स्टोरी ऑफ ब्रायोफाइट्स पूरा का पूरा वीडियो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक एंड सब्सक्राइब for the more videos. Thank you.